हम जो आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो आपको सोचने पर विवश कर देगा। जी हाँ, सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हो रहा है। उसमें लिखा है, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा टाइम निकाल के शेयर जरूर करें और पढ़ें भी। आगे लिखा है, अटल सरकार की तरह मोदी सरकार का पेट मत चीरो मेरे हिंदू भाइयों, एक बात गांठ बांध के रख लो, मोदी ही हम हिंदुओं की आखिरी उम्मीद बच गए हैं। बात थोड़ी कड़वी है पर कहावत है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होती और सुअरों को बढ़िया पकवान अच्छे नहीं लगते। आगे लिखा है, अगली बार मोदी नहीं आए तो ये सारे सेकुलर की खाल में बैठे जिहादी मिलकर हम हिंदुओं का ऐसा हश्र करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां अपनी बर्बादी पर आंसू बहाएंगी। फिर किसी मोदी जैसे हिंदुवादी देशभक्त को दिल्ली तक पहुंचने का सपना देखने में भी डर लगेगा। आगे लिखा है, प्यारे मात्र 12 वर्षों के लिए जात पात ऊंच नीच अगड़ा पिछड़ा पार्टी सार्टी छोड़ देश हित में जिन हिंदुओं को ये आभास होते हुए भी मोदी को गरियाने में एक विशिष्ट संतुष्टि का अनुभव होता है, उन्हें आज की परिस्थिति में मैं महामूर्ख ही कहूँगा। मैसेज में आगे लिखा है, याद रहे जब तक मुर्गी जिंदा रहेगी तब तक ही अंडे देगी, अटल जी की तरह उसका भी पेट चीर दोगे तो फिर लड़ते रहना इन टोपी वालों से जिंदगी भर। आगे कुछ नरेंद्र मोदी के कार्यों का विवरण किया गया है, जिसमें लिखा है, गौरक्षा मॉडल बिल आ गया, कश्मीरी पंडित वापस होंगे, कैलाश का नया रास्ता खुल गया, हरियाणा में गीता अनिवार्य हो गई, राजस्थान में योग और सूर्य नमस्कार अनिवार्य हो गया, गुजरात महाराष्ट्र आदि में गौ हत्या प्रतिबंधित हो गई, हरियाणा में गाय पालने पर 200 रुपए प्रतिमाह मिलने का प्रावधान किया गया, वैज्ञानिक तक कहने लगे कि वेद और शास्त्रों में सारे वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं, हिंदू विरोधी पीके बनाने पर सेंसर बोर्ड की अध्यक्षता बर्खास्त हो गई, प्रधानमंत्री योगी जी और योग गुरु बाबा रामदेव के सद प्रयासों से भारत देश की संस्कृति का पूरे विश्व में डंका बजने लगा है, बनारस के घाट चमचमाने लगे आदि आदि। आगे लिखा है, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आगे लिखा है, मोदी जी किसानों का बुरा सोच भी नहीं सकते, मोदी जी माँ भारती के ऐसे सपूत है जिस पर माँ भारती गर्वित है, जिसका बचपन खुद गरीबी में बीता हो वो किसी गरीब का बुरा क्यों सोचेंगे, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी की मंशा पर शक मत कीजिए, मोदी जी किसानों के दोस्त हैं, किसानों के शुभ चिंतक हैं, भारत देश के भाग्य विधाता हैं। हे मोदी का विरोध करने वाले हिंदुओं, आपके सहयोग और अंध विरोध की वजह से अगर सच में मोदी जी का आपके असहयोग और अंध विरोध की वजह से अगर सच में मोदी जी का कुछ अनिष्ट हो गया तो आप सभी खून के आंसू रोओगे, हिंदू घरों की बहन बेटियां लव जिहाद की भेंट चढ़ जाएंगी और भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान बनते देर नहीं लगेगी, फिर कोई पूछेगा भी नहीं क्यों मरे पड़े हो। अगर वास्तव में हिंदुत्व और भारत देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो तथ्य और प्रमाणों के साथ बात करने की आदत डाल लो, क्योंकि मोदी बोलते नहीं करते हैं। मोदी जी गुजरात में भी नहीं बोले, वहाँ भी मोदी जी ने करके दिखाया। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना, अपनी सरकार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। आगे लिखा है, अगर देश के लिए कुछ करना है तो यह संदेश कम से कम 5 लोगों और 3 समूह ग्रुपों में भेजना है, बस आपको तो एक कड़ी जोड़नी है, देखते ही देखते पूरा देश जुड़ जाएगा, बस जरा सा फॉरवर्ड करो, सिर्फ 2-3 सेकंड ही लगेंगे। जय भारत।